अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे ही आगे भी स्पीकर के पद पे रहे और हमें बोलने का मौका देते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, सम्मान्य नितिन जी को, गडकरी साहब को, सम्मान्य वीके सिंह साहब को। सर, 2009 से 2014 में मैं सांसद बना था, पहली बार एक 30 किलोमीटर की सड़क रिपेयर करने के लिए भी मुझे पूरे 5 साल लगे, तब जाके एक 30 किलोमीटर की सड़क उन्होंने रिपेयरिंग दी थी। 14 से 19 के अंदर सर हमने लगभग 800 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मेरे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ। 200-250 किलोमीटर नेशनल हाईवे सांडे राव से बालोतरा आहोर बाईपास पे निकला। दूसरा एक नेशनल हाईवे रोहित से लेकर सांचौर तक का घोषणा तो हो गई है, लेकिन मैं सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि उसको बनाने के लिए यहां से कुछ बजट भेजें ताकि वो एक सड़क हमारी पूरी हो जाए, तो ये जिले की मेरी मेन हाईवे रहेगा। एक सर सांडे राव से बालोतरा जो नेशनल हाईवे घोषित किया, लेकिन वो जालौर बाईपास दे दिया। जालौर बाईपास देने की वजह से जो जालौर की मुख्य फाटक है रेलवे की C-48, वो अड़चन में फंस गई। यहां से नेशनल हाईवे बोल रहा है कि वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा तो नेशनल हाईवे बाईपास जाता है, और वहां की सरकार जो है वो बोल रही है कि वो नेशनल हाईवे बनाएगा। मैं सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि एक C-48 पे RO भी अगर आप देंगे तो ये जालौर की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक सर इसके साथ में भीनमाल के अंदर आप रोहित से सांचौर दे रहे हैं, तो भीनमाल बहुत बड़ा कस्बा है, और शायद अध्यक्ष महोदय आप भी वहां बहुत आए हुए हैं। उस भीनमाल के कस्बे में से निकलना बोले तो बहुत बड़े ट्रैफिक के जाम में फंसना, अगर उस भीनमाल को रिंग रोड अगर आप दे देंगे तो शायद भीनमाल का उत्थान हो जाएगा। और भीनमाल में 72 जिनालय और सुंदा माता जाने के लिए भी वहीं से रस्ते जाते हैं, इसलिए मैं इसकी भी आपसे एक मांग करूंगा। एक हमारी बहुत बड़ी मांग है सर, पिछली बार भी गडकरी साहब ने ये जैसे रोहित से जालौर का जो रोड हमें सांचौर का दिया था, उसके साथ में जेडा से सिरोही NH तक मिलाने का और मंडार रेवदर बाईपास का ये उन्होंने घोषणा की थी कि मैं ये घोषणा करता हूं कि ये रोड बन जाएगा, उसका भी एक अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। एक सर पिछली बार भारतमाला जो आपने निकाली उसमें हमारे वहां पे नहरी क्षेत्र में जुड़ा, और पहली बार जालौर जिले में पानी हमने देखा सर। उस पानी के कारण भारतमाला में नहरी क्षेत्र का बहुत बड़ी किसानों की जमीन जा रही है। हमने मंत्री जी से निवेदन किया था, मंत्री जी ने कहा था कि भारतमाला का हम रीसर्वे करेंगे और जो हमारा नहरी क्षेत्र जो कच्छ वाला क्षेत्र है जो खार है उस साइड में ले जाने की कुछ चर्चा की थी। मैं आपसे निवेदन ये चाहूंगा कि उसका रीसर्वे करके अगर उसको उस साइड में ले जाए तो शायद किसानों की जमीन बच जाए और उससे हमारे किसान जो है उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक सर मेरा निवेदन है, PMGSY Phase 2 जब शुरू की थी तब आप भी सांसद थे महोदय, और उस टाइम पे जिला परिषद से एक अनुमोदन करवाया था हमने। उस अनुमोदन में लगभग 1500 किलोमीटर जालौर और सिरोही की सड़कों का अनुमोदन करके प्रस्ताव बना के यहाँ पे भेजा था, उसमें से अगर सड़कें हमें मिल जाए तो मेरे वहां पे 2015 और 2017 में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई और वहां की जो सड़कें हैं वो सड़कें भी रिनोवेट हो जाएगी, ये भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। एक सर मेरा निवेदन है, जैसे रूड़ी साहब ने अभी फरमाया वो स्टील की जो बैरिकेड लगता है सर, सांचौर के अंदर एक नेशनल हाईवे बन गया लेकिन वो स्टील का जो बैरिकेड जैसा लगा था उसको एक्सीडेंट में टूटा, 3 साल से आज ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, और नेशनल हाईवे की जितनी भी जमीन है उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण होके अवैध वहां पे सामान बेच रहे हैं, उसको कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। रूड़ी साहब ने जैसे कहा अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है, यही परिस्थिति साहब हर जगह पे है, और शायद वहां पे मैं आरोप तो नहीं लेकिन लगभग कहता हूं कि कोई ना कोई सेटिंग करके ये लोग ये सारा अतिक्रमण करवा रहे ताकि शहर के अंदर ये सारा काम हो। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जगह पे कार्रवाई जरूर की जाए ताकि वहां पे एक्सीडेंट जोन ना बने और वहां पे एक्सीडेंट ना हो उससे बचाया जा सके। एक सर मेरा निवेदन है कि उदयपुर से अपन आबू रोड जब आप पधारते हैं तो पिंडवाड़ा मेरा एक विधानसभा क्षेत्र है, और पिंडवाड़ा में आने के लिए उदयपुर से आबू रोड जब गाड़ी आती है तो रॉन्ग साइड से उतरते हैं सर, क्योंकि वहां पे उतर के अगर पिंडवाड़ा जाना है तो कम से कम 15 किलोमीटर राउंड मारना पड़ता है। अगर वहां पे कोई सिस्टम से अगर गाड़ी नीचे उतार के उसको ले जाया जाए तो एक्सीडेंट वहां पे भी बचाया जा सकता है। हमने कई बार वहां पे मांग की है लेकिन उस मांग को अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरा आप मंत्री जी से ये निवेदन है
कि उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ हमें ये करके दें। और एक ही एकमात्र हिल स्टेशन है सर अपने पास में, माउंट आबू। एक गडकरी साहब ने वहां पे रोड दी थी गुरु शिखर तक जाने के लिए, उसका सर्वे भी हुआ, उसकी बहुत सारी हमने मीटिंग्स भी की। उस मीटिंग के अंदर हमें ये भी आश्वस्त किया कि नहीं, हम इस सड़क को जल्द से जल्द शुरू करेंगे, इसका चौड़ीकरण करेंगे, क्योंकि जब बाढ़ आई थी तब सर माउंट आबू का पूरा कस्बा कट गया था और उस कस्बे की वजह से समस्या हुई थी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस गुरु शिखर की सड़क को बनाया जाए ताकि माउंट आबू को बचाया जा सके, कभी वहां ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे हमें राहत मिल सके। और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।